स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? लो महाराज जी के हाथ से बने व्यंजन खा करके देखो। गुलाबो जी लीजिए ना मामा जी। अरे वाह कचौड़ी घेवर। आज लगा मुन्ना की शादी हो रही है। ढोल बजी घूमर नाचे बड़ा मजा आया है ना छोटी दुल्हन। अच्छा है और सबसे अच्छा तुझे कि उन लोगों ने तने बुलाया। अरे तभी तो इतना खुश लागे है। अच्छा बेटा बबलू ये बताओ आप सबने मिलकर वहां पर क्या क्या हंगामे किए? जी आज बबलू की एक बहुत बड़ी शिकायत दूर हो गई। अच्छा अपनी भाभी को मिलकर आया है। अच्छा बेटा तो अपनी भाभी से मिला है तुम। अच्छा ये बताओ कैसी लगी तुम्हारी भाभी? अच्छी है बहुत अच्छी है। जितनी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। भाई ये तो बहुत गलत बात है। हम भी अपनी बहू से मिलना चाहते थे। बाबूजी आइए ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ नहीं अंदर प्राइवेट है। प्राइवेट में चल जल्दी से बता। आप हम आते हैं। दीदी ये क्या हुआ बबलू को ऐसे अचानक? अरे ये बाप बेटे का मजाक तो यूं ही चलता रहता है। जरूरी कुछ भी नहीं होगा बस शर्त लगानी होगी कि क्रिकेट में आज कौन जीतेगा। प्लीज का फोन है। क्या करूं? बात कर। क्या कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया? बेकार में डरती है कौन बताएगा उन्हें। चल बात कर। हेलो जानती है क्यों फोन किया मैंने? जी ये कहने के लिए कि आज अब बहुत वो सब लोग कह रहे थे। क्या? वही कि आप बहुत अच्छी लग रही थी। और आप क्या कहते हैं? वही आप बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन आपको परेशान देखकर मैं भी घबरा गया था। क्या करे वो है ही ऐसा। उसको देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। मैंने आपको बताया था उसके बारे में उस दिन मंदिर में कि वो मुझे कितना इरिटेट करता है। But thank God, आज तो कुछ बोला ही नहीं पता नहीं क्यों। हेलो जी आप बताइए आपको वो कैसा लगा? बताइए ना। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलने की अच्छी आदत है आप में। मां बहुत खुश रहेंगी कि उनकी बहू में संस्कार है। मेरी पसंद नापसंद भी काफी पक्की है। जो मुझे अच्छा लगता है। चुप रहो यहाँ बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ।
चुपका, मैं भी नहीं चुपका। तुम लोग चुप रहो, कितना शोर मचा रहे हो, अभी लाइट ऑन करता हूँ। दो मिनट खाली, प्लीज भैया, चल चल चुप चुप। बच्चे भी ना, मैं ही चले जाता हूँ। उसका नाम अक्षर है। हाँ बाबूजी, वो अक्षर आई है। बाबूजी मैं खास तौर से आपको इसलिए कह रहा था कि इससे पहले कोई अक्षरा का नाम ले और आप उन्हें बता दे कि हम उसे जानते हैं। आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले कि अक्षरा का रिश्ता मुझसे तय हुआ था। ये तो अच्छी इत्तेफाक हो गया। खैर अच्छा हो जो तुमने मुझे बता दिया। तो जान में जान आ गई वर्षा, नैतिक जी को कुछ भी नहीं पता। तू यूं ही डर रही थी, मैंने कहा था ना ऋतुराज और उनकी माँ कुछ नहीं बताएंगे। कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। उफ, थैंक गॉड। इसका मतलब ऋतुराज की फैमिली ने चाहे जिस भी वजह से तेरे रिश्ते के लिए मना किया हो, पर वो लोग मन के बुरे नहीं है। इतना तो ध्यान रखा कि उनके फैसले का असर तेरी जिंदगी पर ना पड़े। अगर बता देते तो क्या होता वर्षा? फिर वही सारे बुरे ख्यालों को कचरे के डिब्बे में डाल दे। क्यों कुछ होगा तेरे साथ? अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मेरी प्यारी सी निष्कपट सी सहेली के साथ भगवान क्यों अन्याय करेंगे? और अब जब तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो तेरा आंचल खुशियों से भर दे। बाबूजी वो अक्षरा ही है। बाबूजी मैं खास तौर से आपको इसलिए कह रहा था कि इससे पहले कोई अक्षरा का नाम ले और आप उन्हें बता दे कि हम उसे जानते हैं। आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले कि अक्षरा का रिश्ता मुझसे तय हुआ था। मुन्ना क्या सोच रहा है और किसके बारे में सोचेंगे आजकल? तब से ऐसे ही बैठे हैं खोए खोए से। लगता है आज बहू को नाचते देख होश उड़ गए इसके। देख रही हो ना, अभी से ये हाल है। बहू आ जाएगी फिर क्या होगा। चुप हो जा, क्यों सताते हो मेरे मुन्ना को? मुन्ना जा नीचे आंगन में गद्दे डाले, जा जाके सो जा। यहाँ मुक्ता ताई जी बुआ जी सारे सोएंगे, तू जा। और देख बेटा सबको चद्दर मिलेगी नहीं देख लेना। हाँ जा। लड़की वाले तो सब भले लोग मालूम होते हैं। हाँ बस एक नानी है जरा हटके सबसे। नानी? अरे नानी की तोड़ की तो मुझे वो साई थी ना संकरी साई, वो लगती है वही जो रिश्ते जोड़ती है सबके। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे दीदी कैसा रिश्ता लाई संकरी साई, हमारी बहू कैसी लगी? अक्षरा और नैतिक का रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी, घरेलू समझदार। मैं सरल स्वभाव की है अक्षरा कि हमारे यहाँ आसानी से घुल मिल जाएगी। इस बात पर शंकरी ताई को दाद देनी पड़ेगी, पहली लड़की दिखाई और बात बन गई, दूसरी लड़की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरे उदयपुर में अक्षरा जैसी लड़की नहीं मिलेगी।
तुम बहुत भाग्यवान हो गायत्री। प्रभु की कृपा हो गई बस। दीदी आप भी तो उदयपुर आई थी ना बबलू के रिश्ते के लिए, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई। छोड़ो बिना गायत्री, कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग कौन थे? क्या करोगे जानकर? कुछ नहीं बस, हो सकता है हम उन्हें जानते हो। नहीं नहीं, वो लोग कुछ और तरह के ही लगे हमें। पर बताइए तो सही, वो लड़की कौन थी और रिश्ता हुआ क्यों नहीं? अब देखो ना, सब लोग गायत्री की तरह किस्मत वाले तो होते नहीं ये सब कुछ एक ही बार में तय हो जाए। संजोग मिलते तो हो जाता, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने बबलू जैसे हीरे को इनकार कौन कर सकता है। वो इनकार उन्होंने नहीं, हमने किया था। क्यों दीदी? लड़की में कोई कमी रही होगी और क्या? नहीं और नहीं क्या? नहीं, कमी वमी कुछ भी नहीं थी, लड़की बहुत अच्छी थी। लेकिन शायद हमें ही थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। क्या? हमें लगा कि लड़की शायद कुछ और ही सपने देख रही है, शायद वो गायिका बनना चाहती है। गाती बहुत अच्छा है ना वो। वैसे हमारी अक्षरा भी बहुत अच्छा गाती है। अब देखो ना गायत्री, तुम तो बबलू की पसंद को जानती ही हो, उसे तो घरेलू लड़कियां पसंद हैं, जो उसकी घर गृहस्थी संभाले, सबका ख्याल रखे। हाँ बबलू सही सोचता है, अब वो गाना गाएगी तो घर गृहस्थी के आप संभालती फिरेंगी, यही हो जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लड़कों की पसंद हो वैसा जीवन साथी मिल जाए तो दोनों सुखी रहते हैं, है ना? और क्या, हमारे नैतिक को देखना चाहिए, अभी से ही अक्षरा को मिलने के 100 बहाने ढूंढता है। वैसे गायत्री, हमने भी अपने बबलू का रिश्ता तय कर दिया है जयपुर में। सच? हाँ। बधाई हो। बधाई की तो बात है ही। ठीक कहा आपने दीदी, जहाँ संजोग मिलते हैं वही होता है ब्याह। तेरा संजोग नैतिक जी के साथ जुड़ना था, इसलिए ना तुझे ऋतुराज मिला ना कोई याद। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? सब समझ रही हूँ। नैतिक जी किसी को बहुत अच्छे लगने लगे हैं। देखो देखो, शर्माने में छोड़ दिया उनके नाम पर, आंखें दिखा रही है। अब टेंशन छोड़ और सो जा। सारी बात खत्म। वर्षा, नैतिक जी को ऋतुराज के बारे में ना बताना, उनसे ये बात छुपाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना? पता नहीं क्यों मन में एक डर सा है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो ऐसा कर, तू खुद उन्हें अपनी तरफ से ऋतुराज के बारे में सब बता दे। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अरे कहा तो हम तुझे सबको बताने से मना कर रहे हैं और तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है। लेकिन माँ, इससे पहले कि किसी और से पता चले अक्षरा को बता देना चाहिए। वर्षा बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक छोटी सी बात पर संबंध टूट जाते हैं। अब देखना, अक्षरा ने ऋतुराज से सिर्फ इतना ही कहा था ना कि इसे गाना अच्छा लगता है, और उसने इसकी बात का क्या मतलब निकाल लिया, भूल गई? हम ऐसे ही तुझे नहीं मना कर रहे बेटा। देख, तू भी उसे कभी कुछ मत बताना। हाँ अक्षरा, माँ ठीक कह रही है। एक बात और ध्यान से सुन बेटा, देख शादी के बाद भी तू जमाई सा से इस बारे में कुछ मत कहना, जिक्र भी मत करना। लेकिन माँ। बस अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अक्षरा, हमने दुनिया देखी है, हम जानते हैं दुनिया के तौर तरीके, हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं बेटा। आखिर तेरी जिंदगी का सवाल है।
ऋतुराज ने तेरे रिश्ते को मना कर दिया। इस बात को जमाई सा कितने खुले मन से स्वीकार करे यह हमें क्या पता बेटा, है ना? भाई मुन्ना की शादी तो अपने पट ही जाएगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि अपने बबलू की शादी भी तय हो गई है। भाई अब तो हम सब बबलू की बारात में जाएंगे। इसका ब्याह तो मैंने बहुत धूमधाम से करना है। भाई बबलू ने जो लड़की पसंद की होगी वो जरूर अच्छी होगी, क्यों बबलू? ओ तो यहाँ चुप चुप कर कोई मेरी भाभी को फोन कर रहा है। कोई बात नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले कि अक्षरा का रिश्ता मुझसे भी हो। अब बताओ फैशन ही देश में खबर बन गई है, जो पन्ना खोलो उसमें फैशन। अब क्या कहें इस नए जमाने को। वो तो है, अब क्या कहें नई पीढ़ी को। अरे पूरी की पूरी नई पीढ़ी ने दुर्गत कर ली है अपनी। अरे मने तो लागे था कि मारे मुन्ना में ही अनुशासन ना है। इधर देखो ये होगा इनका। हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी में सौ कमजोरियां ढूंढती है, पर जमाना है कि तरक्की कर रहा है। लो आप लोग दिन की शुरुआत बहस से नहीं, गरम गरम चाय से कीजिए। और इन बच्चों को मैं उठाती हूँ। उठो उठो उठो, चलो चलो। कौन है? लगता है देर तक सो गया। टाइम देखा है बबलू बेटा? उठ जाओ वरना तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी। अब तक तो सब लोग तुम्हें आदर्श और लायक बेटा समझते हैं, लेकिन अब तुम्हारे सारे रंग दिखाई दे जाएंगे। अरे भाई उठ जाओ, तुम्हारा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। माँ इम्प्रेशन तो खराब हो ही गया ना, तो मैं डॉर्स हो जाता हूँ। अरे बबलू चलो उठो। चलो बबलू उठ जाओ। उठिए बबलू भैया, झाड़ू लगानी है, चलिए। बबलू भैया की नींद पे तो झाड़ू फिर गई। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? जी वही मैं दिख रही। अरे मने तो लागे है अभी भी सो रहा होगा। ये लो जी आ गया। क्या बात है बेटा, आज बिल्कुल तैयार सुबह सुबह। भाई वाह, मने लागे है आज सूरज पश्चिम से आयो है। मुन्ना इतनी सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करके तैयार हो गया, ये बात है। कहीं जा रहा है बेटा? जी वो क्या बात है मुन्ना? जी वो मुझे मोहित से मिलना है, उसके आज ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। लो वो तो हमें मदद करने के लिए यहाँ आने वाला था। नाश्ता भी नहीं किया भाभी माँ, इतनी क्या जरूरी प्रेजेंटेशन है। कोई बात नहीं, मोहित के साथ कर लेगा नाश्ता। चाय तक नहीं पी उसने। मौसी जी भाभी माँ, आपके हाथों से लाई हुई चाय मैं वेस्ट जाने नहीं दे सकता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।